ओम नमः शिवाय। आज के इस वीडियो में जानेंगे शुक्र प्रदोष व्रत के लाभों के बारे में। आज है शुक्र प्रदोष, यानी कि शुक्रवार के दिन जो प्रदोष व्रत आता है, त्रयोदशी तिथि आती है, उसे शुक्र प्रदोष कहते हैं। शुक्र को भौतिक सुख सुविधा और धन ऐश्वर्य प्रदान करने वाला माना गया है, इसीलिए धार्मिक मान्यता ऐसी है। ज्योतिषों का कहना है कि शुक्र प्रदोष व्रत सुख समृद्धि बढ़ाने वाला है। इस व्रत को करने से शिव जी तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ जो जातक को शुक्र की भी अनुकूलता प्राप्त हो जाती है, और भगवान शुक्र की अनुकूलता मिलती है तो आपका जीवन बदल जाता है। आपको इस वीडियो में उपाय बताएंगे, शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करना है। आज छोटा सा, अगर आप चाहते हैं जीवन में धन की कमी है, पैसे रुपए की दिक्कत है, तो उसको दूर करने के लिए आपको कौन सा छोटा सा उपाय करना है आज। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे मिलेगी, तो शुक्र प्रदोष व्रत को रखना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ आज क्या उपाय करना है आपको ये बताने वाले हैं। ये वीडियो बहुत खास है, अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं पर प्रदोष व्रत जो है भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर भगवान विष्णु के भक्त हैं तो इस व्रत को नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं इस व्रत को। इस व्रत को करने से आपके जीवन की समस्त समस्याएं जो है दूर हो जाती हैं। खास करके आज तो शुक्र प्रदोष व्रत है, ये बहुत ही पावन है। अगर आपको पैसे रुपए की दिक्कत है, या धन वैभव की दिक्कत है, गाड़ियों की दिक्कत है, आपको ऐश्वर्य नहीं मिल रहा है, आपके दोस्त आपसे छूट जाते हैं, दोस्तों का साथ नहीं मिलता है, तो आपको शुक्र प्रदोष का व्रत करना चाहिए। क्योंकि जीवन में लग्जरी चाहिए तो शुक्र आपका सही होना चाहिए, और ये प्रदोष व्रत करने से आज का ये छोटा सा जो टोटका बताएंगे, उपाय बताएंगे, इसे करने से आपके समस्त समस्याओं का जड़ से सफाया हो जाएगा। तो इसीलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ को, शिव जी को पसंद करते हैं, तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं और आज व्रत किए हुए हैं शुक्र प्रदोष का, तो आपको कैसे अपने शीघ्र विवाह का उपाय करना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत में शाम को देवी पार्वती जी को लाल फूल और शिव जी को सफेद फूल अर्पित कीजिएगा। अगर आपने व्रत नहीं किया है तब भी ये उपाय कर सकते हैं। संध्या में स्नान ध्यान करके इसके बाद लाल फूल लीजिएगा, माता पार्वती को चढ़ाइएगा, और भगवान शिव को सफेद फूल जो है समर्पित कर दीजिएगा, और ओम ह्रीम गौरी नमः, ओम ह्रीम गौरी नमः इस मंत्र का 5 माला जाप कीजिएगा। इससे शादी में आ रही अड़चन दूर होती है और सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। वर ने किया है तो वधु की प्राप्ति होती है। ये उनके माता पिता भी उपाय कर सकते हैं। अगर शादी में बाधा आ रही है तो अगर आप आज व्रत नहीं कर पाए हैं तब भी ये उपाय कर लीजिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं धन प्राप्ति के लिए, क्योंकि पैसे रुपए की दिक्कत हो तो परेशानियाँ बढ़ने लग जाती हैं जीवन में। अब करना क्या है, आज के दिन सूर्यास्त के बाद दही घी दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना है। किस चीज से करना है, जैसे ही आज सूर्यास्त हो उस समय पर दही घी दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना है। चावल से बनी खीर का भोलेनाथ और माता लक्ष्मी को भोग लगाना है, और ये देव अन्न होता है। मान्यता है कि इस उपाय से व्यापार नौकरी में धन की कमी कभी नहीं होती है, प्रमोशन की संभावना बढ़ जाती है अगर आप नौकरी करते हैं तो ये उपाय आपके लिए है। अगर आपको अपने धन में वृद्धि चाहिए और पैसे रुपए की दिक्कत खत्म करना चाहते हैं तो आज संध्या में ये उपाय कर लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। माँ लक्ष्मी की आपको कृपा चाहिए तो क्या करें, जी हाँ, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है तो आपका जीवन बदल जाता है। चांदी माँ लक्ष्मी और भगवान शिव को अति प्रिय है, इसलिए मानसिक तनाव को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि घर में लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहें। शिव जी के आशीर्वाद से चंद्र दोष संबंधित दोष दूर हो जाएं। तो क्या करना है आपको, चांदी का छोटा सा छल्ला धारण कर लेना है, और चांदी का छल्ला जो है आपको छोटी उंगली में धारण करना है। अगर आपका चंद्र दोष है कुंडली में तो आप उसमें
पहन सकते हैं मोती, इससे आपका जीवन जो है वो सुखमय होने लगेगा। अगर ये नहीं कर सकते हैं कि ये अति तुरंत जल्दी हो गया, बाद में कर पाएंगे, अगर मान लीजिए कि शुक्र प्रदोष आ गया आता है तो आज से क्या करिएगा, पानी न बर्बाद हो, नल का पानी बर्बाद न हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, नहीं तो चंद्र दोष लगता है। तो जिनको भी जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए उन पर चंद्र दोष नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, आपके रिश्ते सही चलेंगे। और पैसे के लिए तो मैंने उपाय बताया कि धन वैभव के लिए आपको क्या उपाय करना है, आपको फिर से एक बार बता देते हैं, आज के दिन सूर्यास्त के बाद दही घी और दूध से शिवलिंग का अभिषेक जरूर कीजिएगा और खीर बना करके उसका दान कीजिएगा, यानी कि लोगों को, जरूरतमंदों को खिलाइएगा और प्रसाद के रूप में बांटिएगा, खुद भी ग्रहण कीजिएगा और मन से अपनी पीड़ा को, अपनी परेशानी को भगवान भोलेनाथ के सामने बोल दीजिएगा कि हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरी भी जो भी समस्या है उसको समूल रूप से जड़ से नष्ट कर दीजिए और आपकी जो इच्छा है, जो चाहते हैं, वो मन की बात आप मन में ही भगवान भोलेनाथ से बोल दीजिएगा, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार से आज का शुक्र प्रदोष व्रत जो है बहुत ही शुभ है, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जरूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको पहले मिले। इस चैनल के माध्यम से ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। साथ ही साथ अगर आप भगवान भोलेनाथ को पसंद करते हैं, चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो कमेंट में एक बार लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।